छोड़ी हुई औरत जो होती है ना, वो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा होती है, खतरा। अपना गंदा जुबान से एक लफ्ज और निकाले ना, ऐसा घूसा मारेंगे यहीं बिखेर देंगे। बोल बलिया, चुप रहे। हर उस इंसान का मुंह तोड़ देंगे जो हमारी माँ को छोड़ी हुई औरत कहेगा। हाँ तो है, हम है तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई औरत। ये बात का पता हमारी पत्नी ललिता को नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात नहीं पता चलनी चाहिए हमें? हेलो हेलो लाली, हम ना स्टेशन पहुंच गया और ना अभी हम 5 मिनट में रिक्शा करके ना तुम्हारा घर आता है। बहुत ठंडा है बाबा मुजफ्फरपुर में, हमको पता होता ना तो हम शॉल लेकर आता। मम्मी आप मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंच गए तो और क्या, तुमको क्या लगता है हम हावड़ा स्टेशन पहुंचा? अरे फोन कर करके तो हम थक गया, तुम फोन नहीं उठाता और ऊपर से तुम गाड़ी भी नहीं भेजा, काहे लाली? मम्मी लेकिन आप तो कल आने वाले थे ना, तो गाड़ी कैसे भेजते? अरे बाबा हम ना पार्क किया था अपनी सहेली के घर में ना, बकवास खाना खा खा के, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गया। एक मिनट मम्मी, एक मिनट रुको रुको। हेलो। हाँ माँ मैं सुन रही हूँ। अभी हम 5 मिनट में रिक्शा पकड़ के तुम्हारे घर आता है। आप एक काम कीजिए, अभी घर मत आइए। ओ हम रिक्शा पकड़ के आएगा तो तुम्हारा बेइज्जती होगा छोटी। तो नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, हमें लग रहा है हमारे मिश्रा जी हमसे कुछ छुपा रहे। अरे क्या बोल चीज, जामाई मशाई तो बहुत भालू मानुष अच्छी, वो काहे को तुमसे कुछ छुपाएगा? यही तो पता करना है कि वो क्या छुपा रहे और क्यों छुपा रहे। आप एक काम कीजिए, उनके पीछे जाइए और पता कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। ना ना लाली, हम ना बहुत थक गया है, अभी हम कहीं भी नहीं जाएगा। देखो हम पहले तुम्हारा घर आते हैं, कुछ मिष्टी मुख करते हैं, फिर जाएगा। माँ मैं आपके लिए रसगुल्ला चमचम सब बना के रखूंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप जाइए, सब कुछ पता कीजिए और फिर आइए। तुम सोती बोल जो, तुम हमारे लिए मिष्टी बनवा रहा है? हाँ माँ सोती सोती, अभी अभी मिश्रा जी निकले, नुक्कड़ तक ही पहुँचे होंगे, आप जाके पता कीजिए प्लीज। ओके ओके, हम सब पता करके आएगा। खुड़ी बाबा वो तो सत्यी जामाई बाबू আছে। हाँ रिक्शा वाला जल्दी जल्दी हमारे सामान अंदर रखो, जल्दी रखो जल्दी रखो। देखो रिक्शा वाला, ओ जो सामने गाड़ी जा रहा है ना बड़ा वाला, हाँ उसका पीछा करो, धीरे धीरे पीछा करो, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। दादी ये रही आपकी दवा। माँ अपने फुटबॉल का है? अभी देखते हैं। का इधर उधर ताक रही है? लीजिए। ये नहीं तुम्हारी बॉल, पर आज तो तुम्हारी पीटी क्लास नहीं है ना? अरे हाँ हम तो भूल ही गए। तुम दोनों को कोई होश नहीं रहता, इतनी बड़ी हो गई हो, अरे अपना काम खुद ही किया करो। अरे तुम्हारी उम्र कहते हैं तो हम तीन सारी गृहस्थी संभाल लिए थे, दोनों टाइम का खाना बना लिए थे और गैया भी निकाल लिए थे। माँ हम निकल रहे। अरे रुको रुको, नाश्ता करती जाओ, लो पहले दूध पियो। लो तुम्हारे सत्तू का परांठा, बैठ के खाओ। लो माँ, बैठ के खाएंगे ना।
बहुत देर हो जाएगी जी, हम लोग कुश्ती की प्रैक्टिस करके आते हैं। ठीक, ये देखो खरे खरे परांठा भकोस रही है, लड़की वाले तो कोनो लक्षण ही नहीं है, पता नहीं ये पहलवानी सीख के का करेगी। अरे दादी किसी को ना धोबी पचार देना है, उसी की तैयारी कर रहे हैं, हम निकलते हैं। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रहा है। और सालू तुम भी बैठ के नाश्ता कर लो। माँ अब भी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ हम भी अपना नाश्ता लाते हैं, हमने टिफिन पैक कर दिए, तुम बैग में डाल देना। हाँ हाँ ठीक है। पता नहीं ये बुलबुलिया किसे पछाड़ देना चाहती। आपके बेटे गुड्डू मिश्रा को बुलबुलिया दीदी धोबी पछाड़ कर देगी, जो छोड़ के भाग गए थे हम सबको। का बोले मुस्कुरती? कुछ नहीं दादी। कुछ तो बोले हो, हम सुन नहीं पाए। दादी आपके स्नान ध्यान का टाइम हो गया है, हम गर्म पानी रख दिए। पता नहीं ये का बोलती रहती है, हमरी तो समझ में नहीं आता। हमें तो फिकर ही रहती है इन लड़कियों की शादी कैसे होगी, मनमानी हर बात पे इनकी मनमानी। दादी सुन लेती तो सुबह सुबह ड्रामा हो जाता आज, कुछ भी बोलती हो। अरे दीदी हम तो बस उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा चलो अब स्कूल के लिए देर हो रही है। और सुनो आज किसी से कोई फालतू पंगा मत लेना, इन सड़क छाप लड़कों की बातों को अवॉइड किया करो, जितना सुनोगी ना उतना पंगा होगा। दीदी हम तो ना अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन टीआई भीड़ जाती है, एकदम बुलबुला दीदी की कॉपी है। अरे पानी इतना काहे गरम कर दिए हो, हमें आलू की तरह उबालने का विचार है का? दादी अब परेशान मत होइए, हम ठंडा पानी मिला देते हैं। गाड़ी का पीछे मत छोड़ना, गाड़ी का पीछे पीछे चलना, एकदम धीरे धीरे सावधानी से। जी जी। क्या हुआ माता जी? चुप रहो तुम, माता जी कब हमको माता जी बोलता है, माता जी का बच्चा, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरे चुप जल्दी भगा, वो गाड़ी आगे जा रहा है। देखो देखो हम जो भी बोलते हैं वही सुनो, जब तक गाड़ी चलेगा ना तुम भी चलेगा, और जब गाड़ी रुकेगा ना तुम भी रुकेगा, समझा? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, भाग जाएगा आगे, जल्दी करो। गाड़ी रुको 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 रुको। देखो तुमने अभी यहीं पे रुकना है, कहीं जाना मत, हमने अभी आता है। बच्चू पांडे से आपकी बात हो गई ना? जी भैया जी। अरे हमारा जावाई बाबू तो बहुत अच्छा आदमी है, मंदिर में आया, भगवान का दर्शन किया, और उसके साथ तो भुवन बाबू भी है। लाली तो फालतू का शौक करती है। भगवान इधर तो फूचका भी है, हमको ना भूख भी लगा है। जावाई बाबू तो मंदिर में गया है, अभी बात करेगा, समय भी लगेगा, हम सब तो फूचका खा लेते हैं। Good morning, Mom. Good morning. कुछ गड़बड़ है क्या? मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ। No, Mom. देखा क्या किया तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना कुछ भी गड़बड़ होगी किसी को कोई पेमेंट नहीं दूंगी। अरे Mom, हम कहना चाह रहे हैं ब्यूटीफुल नहीं,
सुपर ब्यूटीफुल लग रहे हो। लुकिंग मच बेटर देन अ बॉलीवुड हीरोइन। सती सती मैं तो समझी कुछ गड़बड़ी हो गई। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज नहीं गए अभी तक? अरे पहला क्लास भी शुरू हो गया होगा। अरे मॉम आप परेशान ना हो, आपके बेटों के बिना ना कॉलेज में कोई क्लास शुरू नहीं होती। वो तो है। हाँ मॉम, हम दोनों ना गुड्डू मिश्रा जी के बेटे हैं, हमारे पापा कॉलेज में सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, इसलिए जब तक हम कॉलेज ना पहुंच जाएं कॉलेज शुरू नहीं होता। वैसे ये गुड्डू मिश्रा जी मतलब हमारे पापा हैं किधर? कुछ काम से बाहर गए, आते ही होंगे। ठीक है मॉम फिर हम भी चलते। यस यू बोथ हैव अ नाइस डे। ओके मॉम बाय। मम्मी का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? मिश्रा जी कहाँ रह गए हो? भैया जी अपनी सालो बिटिया जो है वो सर्वगुण संपन्न है, इससे शादी के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। ऊपर से आपका नाम जुड़ा है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ना मना करने की। अब भैया जी वो बच्चू पांडे जो है वो टाइम पर पहुंच जाएंगे रंजू भाऊजी के घर। चलो भी पहुंचते हैं। जी भैया जी शगुन को लेकर बच्चू पांडे का थोड़ा मन डगमगा गया। अब वो तो हमने बहुत पंप किया, उसको बताया कि गुड्डू भैया के पास समय नहीं रहेगा कल के बाद, तब जाके तैयार हुआ है। भैया जी आखिर आपका दोस्त है तो मना नहीं कर सकते थे ना। तुम्हारा फुचकना बहुत अच्छा है। आइए अब हमारे साथ चलिए। नहीं वो मेरे पास अपनी बाइक है, हम निकलते हैं इसमें, आप पीछे आइए। ठीक। तुम्हारा फुचका इतना अच्छा है ना, एकदम रसगुल्ला को फील करता है। हे भगवान, जामाई बाबूर गाड़ी, जामाई बाबू का गाड़ी तो चला गया। हे भगवान अभी हम क्या करेगा, किसका पीछा करेगा? माँ हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है और बुलबुल अभी तक नहीं आई, अगर उसका इंतजार करेंगे तो हम तो लेट हो जाएंगे। 5-10 मिनट रुको, आती होगी। ठीक है हम 10 मिनट इंतजार करके देखते हैं, नहीं आई तो हम निकल जाएंगे। अच्छा उसका अखाड़ा तुम्हारे कॉलेज के रास्ते में आता है ना? हाँ। तो वहीं से उसे लेती चली जाओ। पर माँ वो तो अब तुम्हारी बुलबुलिया को टाइम का होश थोड़ी रहता है, अखाड़े में फिर गई होगी किसी के साथ। एक बार लड़ाई झगड़े का आदत पड़ जाए तो गुंडा बदमाश बनने में वक्त नहीं लगता है, वो कहते हैं ना भूत का पाँव पालने में ही दिख जाता है। अम्मा जी आप सही कह रही हैं, कुश्ती खेल तक ही अच्छी लगती है, उसके आगे नहीं। हम बात करेंगे उससे। 250 रुपये? ए तुम फुचका बेचता है कि रसगुल्ला गुलाब जामुन बेचता है? 250 रुपया कैसे हो जाएगा? मैडम जी 5 प्लेट तो आप फुचका खाई है और 3 प्लेट चाट, और चाट में छोला अलग से डलवाई है, और सेव और पापड़ एकदम गिनतिया नहीं की है। फुचका का क्या तुम हमारा खाना पर नजर लगाते हैं? हां तुमको शर्म नहीं आता? ए बाबा ये तो लाली का फोन है, अभी हम क्या बोलेगा? लाली हमने अभी तुमको फोन करने वाला था। माँ आप कहाँ हो और मिश्रा जी कहाँ हैं? अब जामाई बाबू तो भोलेनाथ के मंदिर में गया है ना? मंदिर तो वो रोज जाते हैं, उसके आगे कहाँ गए? ओ, उसके बाद ना लाली हमारा नजर से ना गाड़ी ओझल हो गया, लेकिन ना हम फिर भी उसका पीछा करते हैं। माँ आपने मिश्रा जी की गाड़ी मिस कर दी ना? अरे कैसी बात करता है तुम लाली, हम जामाई बाबू का गाड़ी फॉलो किया, प्रॉपर फॉलो किया, फिर वो मंदिर में गया और फिर भुवन से मिला और ऑफिस चला गया होगा। एक मिनट माँ, आप रास्ते में पुचका खाने तो नहीं रुक गई थी? नहीं नहीं लाली नहीं, हाँ पुचका वाले के पास नहीं रुका था। ओ जहाँ हमारा रिक्शा रुका ना, पुचका वाला वहीं पर खड़ा था। आप रास्ते में खड़े होके पुचका खा रही थी माँ? छी कोई देख लेता तो क्या होता, अरे अपना नहीं कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। माँ तुम ना ग्रेट हो सुत्ती। हाँ ग्रेट तो हम है। Thank you.
ई भगत कौन हो सकता है? बहुरिया काढ़ा पिला दो, हमारा गला खुल जाएगा तो पाठ करने में आराम होगा। लाए अम्मा जी, सुबह ही बना दिया था। सालू देखना कौन आया है। जी मैम। ऑटो हमारे सामने से। बहू जी लेकिन। ऑटो सामने से। हेलो कौन आया है? गुडुआ, अरे गुडुआ, अरे गुडुआ। उसी के सहारे, इसके सहारे दुनिया जीती है, भगवान के सहारे। बाबूजी नहीं रहे, आपको खबर भी भिजवाया फिर भी आप नहीं आए। खबर हमको मिल गया है। काहे फोन करके हमें शर्मिंदा कर रही हो तुम? सीधा शमशान घाट पहुंच जाएंगे। क्या देख रही हो तुम? हम लौट कर नहीं आए हैं, तो अपना जिम्मेदारी पूरा करने आए हैं। सबसे पहले कारनामे को चुप करवाइए, माथा बंधा गया है इसके रोज रोज के चक्कलस से। बाबू जी ने तो अपना फरमान सुना दिया है, वही पालिए सबको, मुक्ति मिल गई हमें। जिम्मेदारी का बहाना ही सही, पर गुटवा तो वहां गए, हमारे लिए यही बहुत है, बहुत है। आप पूरे 14 साल बाद आए हो गुटवा, आप तरस गया था तुमको देखने, हमको तो लगा था हम तुमको देखे भी नहीं, पर लोग सजा जाएंगे। गुडुआ रुक जा। गुडुआ बाबू, अगर आज तुमने इस घर की चौखट के बाहर कदम रखा तो याद रखना, पलट कर आने का मौका नहीं मिलेगा। हम वापस पलट कर आने के लिए जा नहीं रहे हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं।
बाबूजी आपको छोड़ के चला गया। कितना साल बीत गया, आज भी तुम्हारे अंदर उनका झलक है और हमारे नसीब में तो तुमको देखना भी ना ही है। बाबू जी ने आने से मना कर दिया था, पर तुम तो अच्छी तरह जानती हो हमने हमेशा उनकी बात का लाज रखे, इसलिए कभी वापस पलट कर नहीं आए हम। लेकिन आज एक वादा पूरा करने आए, हमारा दोस्त बच्चू पांडे, हमने इसको वचन दिया था कि हम अपनी बड़ी बेटी की शादी उसके बेटे से कराएंगे। आज वही वचन पूरा करने के लिए हमें आना पड़ा। ये तो बहुत अच्छा किया, तुम आ गए हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगड़ुआ मामा, सच कहे तो हमें आना नहीं चाहते थे। जैसे हमें पता चला कि हमारे भेजे हुए रिश्ते को उस घर ने ठुकरा दिया है, तो मजबूरी में आना पड़ा हमें। हमें लगता है कि घर के लोगों को सही गलत समझाने का टाइम वापस आ गया है। सही बात तो यह है कि इसके बच्चे आज ही मेरे खर्चे पर पलते हैं। माफ कीजिए जी, हमने अभी अपनी बिटिया की शादी करने का मन नहीं बनाया ना। अरे तुम्हारे मन बनाने या मनाने से क्या फर्क पड़ता है, हमने इस रिश्ते को मान दिया है। इसके बच्चे आज ही मेरे खर्चे पर पलते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार हमारे पास है। अरे हम भी यही समझा रहे थे बहुरिया को, औलाद का भला बाप से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता। हाँ माँ, हम भलाई सोचकर ही रिश्ता तय किए। अम्मा, वो बच्चू पांडे का परिवार लड़की को देखने आ रहा है, उनका स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। घर में तो कोई तैयारी नहीं हुआ होगा, इसलिए हम जलपान वगैरह सब साथ में लेकर आए हैं। माफ कीजिए जी, हमने अभी अपनी बिटिया की शादी करने का मन नहीं बनाया ना। अरे तुम्हारे मन बनाने या मनाने से क्या फर्क पड़ता है, हमने इस रिश्ते को मान दिया है। अरे भुवन, तेरा फोन तो लगाओ, पता लगाओ लड़के वाले कहां तक पहुंचे। भुवन भैया, अगर वो लोग घर से नहीं निकले हैं तो उनको मना कर दीजिए यहाँ आने के लिए। क्या बदतमीजी है ये, ऐसे कैसे मना करते हम? माफ कीजिए जी, वो हमने अभी अपनी बिटिया की शादी करने का मन नहीं बनाया ना। अरे तुम्हारे मन बनाने या मनाने से क्या फर्क पड़ता है, हमने इस रिश्ते को मान दिया है। ये हमारी शालू बिटिया की माँ है, रंजू मिश्रा। हाँ हाँ, जानते हैं गुड्डू बाबू की धर्म पत्नी है छोड़ी हुई। जाओ भरी, शालू को लेके आओ। दीदी, ये तो वही लड़का है। ये हमारी शालू बिटिया की माँ है, रंजू मिश्रा। हाँ हाँ, जानते हैं गुड्डू बाबू की धर्म पत्नी है छोड़ी हुई। जाओ भरी, सालों को लेके आओ।
दीदी ये तो वही लड़का है।